नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहद घरेलू और एक बहुत ही सस्ता लेकिन उतना ही कारगर एक उपाय लेकर के आया हूं, जिसके इस्तेमाल से आप अपने चेहरे को गोरा कर पाएंगे, चेहरे को ब्राइट कर पाएंगे और चेहरे के कालेपन को दूर करके, चेहरे के दाग धब्बों को, निशान को दूर करके अपने चेहरे को बहुत ही साफ सुथरा और फेयर बना पाएंगे। दोस्तों आज का यह नुस्खा उन लोगों के लिए खासतौर पर बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है जो लोग अपने चेहरे के कालेपन को हटाने के लिए या फिर अपने चेहरे के ऊपर दाग धब्बों को, निशान को हटाने के लिए बहुत सारे क्रीम्स, बहुत सारे उपाय कर करके, बहुत सारे पाउडर्स लगा लगा के, क्रीम लगा लगा के थक चुके हैं लेकिन उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो आज के इस वीडियो को आप लोग दोस्तों अंतिम तक, सिर्फ एक बार, बहुत छोटी सी वीडियो है, इसे जरूर देखिएगा। यहां पर मैं आप लोगों को एक ऐसा बेहतरीन घरेलू उपाय बनाकर दिखाऊंगा जो आपके चेहरे को बिल्कुल गोरा करने के लिए और दाग धब्बों को, निशान को हटाने के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। दोस्तों आप लड़के हों या लड़की हों, यह नुस्खा इतना कारगर है कि जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को बहुत ही जल्दी 3 से 4 दिनों में इसका असर दिखने लगेगा और आपका चेहरा गोरा, ब्राइट और फेयर होने लगेगा। समय न गवाते हुए सीधे मैं नुस्खा आप लोगों को बनाकर दिखाता हूं, कैसे लगाना है यह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों इस नुस्खे में सबसे पहले आप एक टमाटर लें, इस तरीके से आप एक टमाटर ले लें और उस टमाटर को इस तरीके से बीच से काट दें, ठीक है दोस्तों, बीच से आप लोग उसे काट लें। काटने के बाद दोस्तों आपको आधा हिस्सा छोड़ देना है, आपको आधा हिस्सा ही इस्तेमाल में लाना है। उसके बाद दोस्तों ये जो आधा हिस्सा है इसे आप लोग छोटे छोटे हिस्सों में पहले काट लें, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। टमाटर के अंदर ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे चेहरे के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं और यह बिल्कुल नेचुरल है, सबसे अच्छी बात इस नुस्खे की। दोस्तों यह नुस्खा बहुत ही ज्यादा कारगर है और बहुत ही ज्यादा सस्ता है, आप घर पर ही इसे बहुत ही कम दामों में बना पाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम इस कटे हुए टमाटर को यहां साइड पे रख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम इस नुस्खे में जो सबसे पहली चीज लेंगे वो है दोस्तों, आप एक बाउल ले लें, एक कटोरी ले लें और उसमें लगभग आधे चम्मच के आसपास आप बेसन को मिला लें। बेसन एक ऐसी चीज होती है दोस्तों जो हमें घर पर ही आसानी से मिल जाती है और बेसन के अंदर चेहरे को गोरा करने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों ये जो आप क्रीम देख रहे हैं, यह क्रीम आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, आप इस क्रीम का इतना भाग ले लें, ठीक है दोस्तों। इसे हम कहते हैं आलमंड नरिशिंग क्रीम, यह आलमंड से बनाया जाता है और आलमंड के अंदर ऐसे जबरदस्त तत्व पाए जाते हैं जो हमारे चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर है। आप मार्केट में कहिएगा आलमंड नरिशिंग क्रीम, आपको यह डब्बा मिल जाएगा और आप इसका बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं और यह क्रीम आपके चेहरे को गोरा करने के लिए और दाग धब्बों को मिटाने के लिए एक बहुत ही नेचुरल क्रीम है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम इन दोनों को पहले आपस में मिला लेते हैं, इस तरीके से दोस्तों हम इनको आपस में जहां तक हो सके इनको मिक्स कर लेते हैं। अभी भी हम इस नुस्खे में कुछ और चीज मिलाएंगे, उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस नुस्खे को कैसे लगाना है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबा लें ताकि आप लोगों को ऐसी जानकारियां मिलती रहें, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम इसमें आखिरी चीज मिलाएंगे और इस नुस्खे को कैसे लगाना है ये भी बताऊंगा मैं, ये भी जानना जरूरी है तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें। इसके बाद दोस्तों ये जो टमाटर हमने लिया था इसे बिल्कुल बारीक पीस करके इस तरीके से इसका पेस्ट तैयार कर लें। अब हम इस पेस्ट को इसमें लगभग 1.5 से 2 चम्मच आप इसमें आप इसको मिला दें और इसको इस तरीके से अच्छे से मिलाएं, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से मिलाने के बाद ये जो हमारा नुस्खा है यह बनकर इस तरीके से तैयार हो जाएगा और यह आपके चेहरे को गोरा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और खासकर दाग धब्बों को मिटाने के लिए यह बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। उसके बाद दोस्तों आप क्या करें, अपने चेहरे को पहले नॉर्मल पानी से धो लें, नॉर्मल पानी से धोने के बाद अपने चेहरे को साफ कपड़े से पोंछ लें, उसके बाद अपने सूखे चेहरे पर इस लेप को लेकर के इस तरीके से लेकर के अच्छे से मसाज करें, ठीक है दोस्तों। अच्छे से अपने चेहरे पर इसे लगा करके अच्छे से अपने चेहरे पर इसका मसाज करें, उसके बाद इसे लेप की तरह, इसको लेप की तरह, एक उपटन की तरह अपने चेहरे पर लगा करके कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ दें। 1 घंटे के बाद आप अपने चेहरे को धो लें, दिन में 1 बार इसका प्रयोग करेंगे, आप पाएंगे दोस्तों कि आपके दाग धब्बे मिटेंगे और आपका चेहरा गोरा, ब्राइट और फेयर होने लगेगा।